नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी हमारी सेवक शुरू करते हैं कि आप लोग जानकार बने। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि चुकंदर खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है, जिसका नाम शलगम कहा जाता है। दोस्तों ये देख रहे हैं शलगम, कभी भी शलगम लाना है तो दो प्रकार की इसमें होती है। इसको क्या कीजिए कि अच्छी तरह से इसका छिलका उतार दीजिए। छिलका उतारने के बाद में इसको बारीक ऐसे काट दीजिए, छोटी छोटी पीस काट दीजिए। और काटने के बाद में आपको क्या करना है कि सुबह के समय में, नाश्ते के समय में खाना है इसको। अगर आप लोग खाते हैं कुछ दिनों तक तो आपकी शारीरिक कमजोरी जो है वो मिट जाएगी और ताकत जो है वो बहुत ही लाता है। विटामिन इसमें बहुत मिलती है। और जिन लोगों के, समझिए कि जिन लोगों को शुगर हो गई है, उनको ज़रूर देना चाहिए। खून की कमी को पूरा करता है चुकंदर, और शुगर इसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, यानी चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। जो आपके शरीर में सूट करे वही खाना चाहिए। इस चुकंदर से बहुत ही फायदे मिलती है, आँखों की रोशनी बनती है, हड्डी में जान आती है, मर्दाना ताकत आपस जो है वो लाती है, और तरह तरह की बीमारी से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। दोस्तों अगर आप लोग आँख की रोशनी, समझिए कि जा रही होगी, यानी चश्मा लग गया होगा, तो इससे चश्मा भी उतर जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे और आपके घर में खुशियाँ माता दुर्गा जी की कृपा से हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।